कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल की उटकाना जी में, जहाँ पे हम कान्हा जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है समर स्पेशल ड्रेस फॉर कान्हा जी, जिसके लिए सबसे पहले हमने चोली कट करनी है। चोली कट करने के लिए मैंने जो फैब्रिक एक स्ट्रिप ली है फैब्रिक की, ये 4x3.5 इंचज़ की स्ट्रिप है। इसको हम कुछ इस तरह से फोर फोल्ड करेंगे। फोर फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। आप रैंडमली भी लगा सकते हैं या मेज़र करके भी लगा सकते हैं। यहाँ से हमने हाफ़ इंच पे मार्क करना है। हाफ इंच पे कुछ इस तरह से मार्क करके यहाँ पे हमने लेंथ शोल्डर की 1 इंचज़ रखनी है। इस तरह से हम शोल्डर कट कर लेंगे और यहाँ पे हम वी नेक कट करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे तो ये चोली हमारी कट हो जाएगी। ये हमने चोली कट कर ली है। अब आप चाहो तो एक साइड पे ओपनिंग दे सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि ये कान्हा जी की नेक आराम से आ जाएगी। ये देखिए, अगर आप चाहो तो एक साइड पे कट दे सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कोई भी कॉटन की लेस ले लेनी है, क्योंकि समर सीज़न है। मैंने कुछ ये मल्टी कलर की लेस ली है। इसको मैं शोल्डर पर कुछ इस तरह से और नेक के अराउंड लगा दूँगी। अगर आप कट लगाते हो तो उस पर भी आप यही अटैच कर लीजिए। ये मैंने लेसेस अटैच कर ली है। अब यहाँ पे हम वेलक्रो टेप भी ऐड कर सकते हैं या स्मॉल बटन्स वगैरह, टिच बटन वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से उल्टी साइड पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम दोनों साइड पे फिटिंग स्टिच दे देंगे, जिससे हमारी ये चोली जो है बनके रेडी हो जाएगी। फिर हम घेरा अटैच करेंगे। तो ये चोली हमने बना के रेडी कर ली है। इसमें मैंने वेलक्रो टेप ऐड की है। आप हुक, टिच बटन वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की बन गई है। अब बारी आती है घेरे की। घेरे के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये 3 इंचज की लेंथ है और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि चुन्नटों पे डिपेंड करता है। आप कितनी हैवी चुन्नटें डालोगे उस हिसाब से विड्थ ले सकते हो। मैंने जो ली है वो 22 इंचज़ है। और ये जो ड्रेस मैं बना रही हूँ ये 3/4 नंबर के कान्हा जी का साइज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको या तो हम राउंड शेप कर सकते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ से भी अटैच कर लेंगे, या यहाँ से अगर आप ओपन रखना चाहते हो तो आप लैस भी अटैच कर सकते हो, या सिंपल हैमिंग कर दीजिए। और फिर हम यहाँ पे इसके आप नीचे की साइड भी लेस अटैच कर सकते हो या फिर हैमिंग कर सकते हो। इस तरह से हम चुन्नटें डाल के इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे चोली के साथ। ये देखिए, हमने यहाँ पर जो लेंथ ली थी उस पर हमने जो है लेस अटैच की है और नीचे की साइड हमने हेमिंग की है। आप चाहो यहाँ पे लेस अटैच कर लीजिए। अब हमने क्या करना है, चुन्नटें मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे डालनी है। इसको सीधा रखना है, इसको उल्टा इस तरह से, और अब हमने इस तरह से चुन्नटें डालनी है और स्टिच कर देना है घेरे को चोली के साथ। आप जितनी लॉन्ग लोगे स्ट्रिप, उसी हिसाब से आप इसको जो है चुन्नटों को दूर दूर या पास पास कर सकते हो। इस तरह से हम चुन्नटें डाल के स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, घेरा अटैच करने के बाद ये फ्रॉक कुछ इस तरह की लग रही है। ये समर्स के लिए परफेक्ट है। ये 3 नंबर का परफेक्ट साइज़ है। आप इसे दोनों साइड से पहना सकते हैं, इस साइड से भी पहना सकते हैं। तो ये नेक का जो ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है वो आगे की साइड आ जाएगा। इस साइड से भी पहना सकते हैं। समर्स के लिए ऐसी ड्रेसेस मस्ट होती हैं जिनमें सिर्फ कॉटन यूज़ हो। इसमें हमने लेस भी कॉटन की ही यूज़ की है समर सीज़न करके। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। राधे राधे फ्रेंड्स।